नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम दूध मनिया में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। विदित हो कि ये मंदिर जितना खूबसूरत है उतनी ही ऊंचाई पर स्थित भी है, जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। इस प्रणामी मंदिर को देखने से लगता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान रहते हैं। जहाँ की छटा देखते ही बनती है, यहाँ आने से लोगों को शांति मिलती है, जिससे ऐसा लगता है कि साक्षात स्वर्ग यही है। इतना ही नहीं, यहाँ प्रतिदिन आने जाने और रुकने वालों के लिए भंडारा चलता रहता है, जो व्यवस्था संस्था द्वारा पूर्णतः निःशुल्क है। उक्त श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का निर्माण भक्त गुरजारी लाल तिवारी ग्राम दूधमनिया द्वारा 1989 से शुरू कराया जाकर 2004 में भव्य मंदिर पूर्ण करवाया है। महाशिवरात्रि को मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर के निर्माण में भक्तों और श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय से जुड़े भक्तों के द्वारा तन मन धन के सहयोग से तैयार किया गया। तब से आज तक लगातार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत का आनंद लेते हैं। श्री तिवारी द्वारा बताया गया है कि श्रीमद् भागवत कथा के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसी कड़ी में श्रीमद् भागवत कथा पारायण पाठ और 11 ब्रह्मवाणी तारतम सागर का भी पारायण पाठ चल रहा है, जिसका आज छठा दिन है। 11 मार्च को कथा और पारायण के समापन के पश्चात 2 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। श्यामान तुम स्वरूप